नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल में लगने वाले सभी कीट के बारे में और उनमें लगने वाले रोग और उनकी दवाओं के बारे में कि आप रोगों से कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर आप मिर्च की फसल लगाते हैं तो आपने अगर शुरुआती स्टेज में ही मिर्च पर ध्यान नहीं दिया है तो आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। पौधे लगाते समय फंगस और दीमक का कंट्रोल आपको अवश्य करना चाहिए। आपको बाद में थ्रिप्स, माइट, लिप कर्ल, एफिड, सफ़ेद मक्खी, जिसे आप मरोड़िया, माथाबंदी आदि भी कहते हैं, ऐसे रोग आपकी फसल को ख़राब कर सकते हैं। आपको मिर्च की फसल में यह देखना है कि कोई रोग तो नहीं है। अगर पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं तो वह थ्रिप्स कीट की रोग के कारण होता है, और अगर पत्ते नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं तो आपकी फसल में माइट्स का रोग अधिक होता है। ये थ्रिप्स और माइट्स के रोग को हम शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी फसल 50% तक स्वयं ही सुरक्षित हो जाती है। दूसरे रोग आपकी फसल को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। बाद में आपके केवल पोषण और खाद का ध्यान रखना आवश्यक है। थ्रिप्स, माइट्स, एफिड, लीफ कर्ल, सफ़ेद मक्खी रोग के लिए आपको समय पर 3 से 4 स्प्रे करने जरूरी होते हैं, जो आप रोग के आधार पर कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। थ्रिप कीट पत्तों के ऊपर से पत्ते के सारे रस को चूस लेता है। माइट्स रोग पत्ते के नीचे से प्रभावित करता है। ये दोनों रस को चूस कर पौधे को कमज़ोर कर देते हैं और पौधा रोगग्रस्त होकर सूख भी जाता है। थ्रिप्स और माइट्स की बीमारी हम टमाटर, पालक, मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी, ग्वार आदि सभी तरह की सब्जियों की फसलों में देखने को मिलती है, लेकिन यह मिर्च की पूरी फसल को ख़राब कर सकती है। यह हमेशा आपके उत्पादन को प्रभावित करता है। जिस पौधे पर भी 20% तक आपको प्रभाव दिखाई दे, उस पौधे को खेत से उखाड़ कर जला देना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए आप येलो स्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक उपचार भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। रासायनिक उपचार में आप रोग और 30% ईसी का 2 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। कॉर्नफीडर 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ओबरसन 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे आप पानी में मिलाकर के कर सकते हैं। माइट्स के अधिक प्रभाव होने पर आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। प्रोपरगीटा 57 EC का 400 ml दवा का प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे कर सकते हैं। ट्राजोफोस 40% EC का 300 ml दवा का प्रति एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। माइट्स और थ्रिप्स में से एक भी बीमारी हमारी फसल को ख़राब कर सकती है। इसके प्रभाव के कारण हमारा 90% तक उत्पादन कम हो सकता है। आप रोग के अनुसार दवा का स्प्रे समय समय पर करते रहें। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो आप हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।